बड़ा मज़ा आ रहा है। यूजुअली इनके वैसे ही बहुत मज़ा आता है, काफ़ी कॉमेडी बच्चे हैं ये लोग, मजाक बहुत करते हैं तो हंसी मजाक हो जाती है सेट पे। बट टॉकिंग अबाउट करण, करण तो बच्चों के साथ बहुत ही खुश होता है, सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल अगर देखा जाए तो बच्चों के साथ ही है। तो बच्चे घर पे आए हैं एंड नैना कुछ प्ले करने की कोशिश कर रही थी बट वो नहीं कर पा रही थी, तो बीइंग अ म्यूजिशियन मतलब म्यूज़िक लवर मुझे थोड़ा सा चुभी हो बात, तो मैंने उसके हाथ से माउथ ऑर्गन ले लिया एंड आई स्टार्टेड प्लेइंग इट और बच्चे भी खुश हो गए, सब खुश हो गए। देन ऑब्वियसली हमारी कुछ बात हुई है एंड नैना ने रेकमेंड किया कि वी शुड गो टू दरगाह पीर बाबा जी एंड मैं मान गया। ओके, बच्चे यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं करण और नैना को अन इंटेंशनली पास लाने की, तो थोड़ा ऑकवर्ड हो रहा है करण के लिए वो? बच्चों की वजह तो यूजुअली नहीं है, इट्स जस्ट दैट नैना इतनी स्वीट है, वो ऐसी कुछ बातें करती है, उसने मेरे लिए इतने एफर्ट्स लिए हैं कि वो गई है और बच्चों को लेके आई है, काफ़ी कुछ उसने यू नो सुना है मेरे लिए, तो वो सब उसके जेस्टर्स जो हैं मुझे पता है चीज़, वो जान मुझे मतलब वो डिलिब्रेटली करती है ये सब मेरे को वापस बुलाने के लिए, सब बजाना बजाना ये सब करना, बट उसके जो मन में है दिल में है मेरे लिए वो सब ऑनेस्टी है, तो जेन्युइनिटी वो सब देख के मुझे अच्छा लगता है, तो मैं उसको देखते रहता हूँ। तो आज बच्चों के साथ कैसा लग रहा है शूट करते करते? बड़ा मज़ा आ रहा है, यूजुअली इनके वैसे ही बहुत मज़ा आता है, काफ़ी कॉमेडी बच्चे हैं ये लोग, मजाक बहुत करते हैं तो हंसी मजाक हो जाती है सेट पे। बट टॉकिंग अबाउट करण, करण तो बच्चों के साथ बहुत ही खुश होता है, सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल अगर देखा जाए तो बच्चों के साथ ही है, तो बच्चे घर पे आए हैं एंड नैना कुछ प्ले करने की कोशिश कर रही थी बट वो नहीं कर पा रही थी, तो बीइंग अ म्यूजिशियन मतलब म्यूज़िक लवर मुझे थोड़ा सा चुभी हो बात, तो मैंने उसके हाथ से माउथ ऑर्गन ले लिया एंड आई स्टार्टेड प्लेइंग इट और बच्चे भी खुश हो गए, सब खुश हो गए। देन ऑब्वियसली हमारी कुछ बात हुई है एंड नैना ने रेकमेंड किया कि वी शुड गो टू दरगाह पीर बाबा जी एंड मैं मान गया। ओके, बच्चे यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं करण और नैना को अन इंटेंशनली पास लाने की, तो थोड़ा ऑकवर्ड हो रहा है करण के लिए वो? बच्चों की वजह तो यूजुअली नहीं है, इट्स जस्ट दैट नैना इतनी स्वीट है, वो ऐसी कुछ बातें करती है, उसने मेरे लिए इतने एफर्ट्स लिए हैं कि वो गई है और बच्चों को लेके आई है, काफ़ी कुछ उसने यू नो सुना है मेरे लिए, तो वो सब उसके जेस्टर्स जो हैं मुझे पता है चीज़, वो जान मुझे मतलब वो डिलिब्रेटली करती है ये सब मेरे को वापस बुलाने के लिए, सब बजाना बजाना ये सब करना, बट उसके जो मन में है दिल में है मेरे लिए वो सब ऑनेस्टी है, तो जेन्युइनिटी वो सब देख के मुझे अच्छा लगता है, तो मैं उसको देखते रहता हूँ। तो आज बच्चों के साथ कैसा लग रहा है शूट करते करते? बड़ा मज़ा आ रहा है, यूजुअली इनका वैसे ही बहुत मज़ा आता है, काफ़ी कॉमेडी बच्चे हैं ये लोग, मजाक बहुत करते हैं तो हंसी मजाक हो जाती है सेट पे। बट टॉकिंग अबाउट करण, करण तो बच्चों के साथ बहुत ही खुश होता है, सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल अगर देखा जाए तो बच्चों के साथ ही है, तो बच्चे घर पे आए हैं एंड नैना कुछ प्ले करने की कोशिश कर रही थी बट वो नहीं कर पा रही थी, तो बीइंग अ म्यूजिशियन मतलब म्यूज़िक लवर मुझे थोड़ा सा चुभी हो बात, तो मैंने उसके हाथ से माउथ ऑर्गन ले लिया एंड आई स्टार्टेड प्लेइंग इट और बच्चे भी खुश हो गए, सब खुश हो गए। देन ऑब्वियसली हमारी कुछ बात हुई है एंड नैना ने रेकमेंड किया कि वी शुड गो टू दरगाह पीर बाबा जी एंड मैं मान गया। ओके, बच्चे यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं करण और नैना को अन इंटेंशनली पास लाने की, तो थोड़ा ऑकवर्ड हो रहा है करण के लिए वो? बच्चों की वजह तो यूजुअली नहीं है, इट्स जस्ट दैट नैना इतनी स्वीट है, वो ऐसी कुछ बातें करती है, उसने मेरे लिए इतने एफर्ट्स लिए हैं कि वो गई है और बच्चों को लेके आई है, काफ़ी कुछ उसने यू नो सुना है मेरे लिए, तो वो सब उसके जेस्टर्स जो हैं मुझे पता है चीज़, वो जान मुझे मतलब वो डिलिब्रेटली करती है ये सब मेरे को वापस बुलाने के लिए, सब बजाना बजाना ये सब करना, बट उसके जो मन में है दिल में है मेरे लिए वो सब ऑनेस्टी है, तो जेन्युइनिटी वो सब देख के मुझे अच्छा लगता है, तो मैं उसको देखते रहता हूँ।